हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको डिज़ाइनर ए लाइन कुर्ती की स्टिचिंग करना बताएंगे। इसकी कटिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए हम कुर्ती की स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। यहाँ हम पहले ऊपर से 6.5 इंच छोड़कर पहले पट्टी लगाएंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच का कट पाएंगे। ये हमने रेब में पट्टी ली है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको हम इस तरह से लगाएंगे और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे कट पाएंगे ताकि अच्छे से अंदर फोल्ड हो जाए। ये एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। पट्टी हमारी इस तरह से फोल्ड होगी। इसी तरह हम दूसरी साइड पट्टी लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे पट्टी और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने दोनों साइड पट्टी लगा ली है। अब हम फ्रंट नेक बनाएंगे। ये हमने नेक की कटिंग की हुई है, आप नेक किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। पहले हम इसको कपड़े के ऊपर लगाएंगे, इस तरह से, और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने नेक को कपड़े के ऊपर लगा लिया है। अब हम इसका सेंटर करेंगे।
और इसी तरह हम कुर्ती का सेंटर करेंगे। नेक लगाने से पहले इन पार्ट्स को हम अटैच करेंगे इस तरह से, और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है, अब हम इसके ऊपर नेक लगाएंगे। नेक को हम इस तरह से लगाएंगे और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। जी हमने नेक लगा लिया है, अब हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे। और इसमें हम छोटे छोटे कट पाएंगे। और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने नेक बना लिया है, अब हम बैक नेक बनाएंगे। यहां पर हम ये रेप पट्टी लगाएंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने बैक नेक बना लिया है, अब हम बैक और फ्रंट को अटैच करेंगे। नेक को हम इस तरह से रखेंगे और बैक नेक को हम फ्रंट नेक के ऊपर फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे।
ये हमने फ्रंट और बैक नेक को टच कर लिया है। हमारा नेक इस तरह से आएगा। अब हम नीचे फोल्ड करेंगे। पहले हम बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। यह हमने बैक पार्ट को फोल्ड कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को फोल्ड करेंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने नीचे फोल्ड कर लिए हैं। अब हम साइड अटैच करेंगे। और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। यह हमने एक साइड पर सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड पर लगाएंगे। ये हमने दोनों साइड अटैच कर ली हैं। अब हम बाजू अटैच करेंगे। पहले हम बाजू पर पट्टी लगाएंगे इस तरह से। ये हमने बाजू की रॉन्ग साइड ली है और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक साइड पर पट्टी लगा ली है। इसी तरह हम दूसरी साइड पर पट्टी लगाएंगे। यहां पर हम सिलाई लगाएंगे।
ये हमने पट्टी लगा ली है। अब हम बाजू के इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने बाजू बना ली है। अब हम बाजू को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। कुर्ती के हम रॉन्ग साइड लेंगे और बाजू के हम सीधी साइड लेंगे। और बाजू को हम कुर्ती के बीच रखेंगे इस तरह से। और सिलाई को हम सिलाई के सामने लाएंगे और यहां पर हम सिलाई लगाएंगे। यह हमने बाजू लगा ली है। इसी तरह हम दूसरी बाजू लगाएंगे। यह हमने दोनों बाजू लगा ली है। यहां पर हम बटन लगाएंगे इस तरह से। अगर आप बटन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। और नेक पर और यहां पर हम तरपाई करेंगे। यह हमने कुर्ती बना ली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।